नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं बेहतरीन आपकी सीरीज यहाँ पर आपकी चल रही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली का डेली यहाँ पर आप टेस्ट लगाते रहिएगा, और जल्द ही यहाँ पर आपको हिंदी का बेहतरीन रिविज़न भी आपका हो जाएगा, और साथ में आपको और अच्छी खासी आपकी हिंदी में मजबूती भी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, काफ़ी सारे यहाँ पर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जो कि आपको पता है ना, सभी को पता है कि ये क्लास आपकी हमेशा 2 सालों से लगातार आपकी चली आ रही है, जो कि रात 8:30 बजे, लगभग 2 साल से एक टाइम यही है और हमेशा आपकी हुई है ये क्लास आपकी, है ना। तो आप लोग भी टाइम नोट कर लीजिए, जो लोग पहली बार आए हैं, 8:30 बजे से क्लास आपकी शुरू होती है। चलिए, आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर आज नए जुड़े हैं, जिनका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे यहाँ पर आप लोग जुड़ते रहिए, चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए, आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मैला आंचल के लेखक कौन है। याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर टेस्ट पेपर में 1/3 माइनस मार्किंग भी आपकी रखी गई है, 1/3 माइनस मार्किंग है। आप लोग जितने क्वेश्चन गलत करिए तो 1/-3 काटते रहिएगा, और 50 में आप लोग यहाँ पर बताइएगा कितना आपका स्कोर जा रहा है, ईमानदारी से टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है पहला कि मैला आंचल के लेखक कौन है। चलिए, जवाब दीजिएगा, मैला आंचल के जो लेखक हैं आपके कौन हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो जवाब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने दिया है, यहाँ पर आपका ए नंबर, ये आपके फणीश्वर नाथ रेडू, है ना। यहाँ पर जो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, आंचलिक उपन्यास के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि आपके फणीश्वर नाथ रेडू हैं। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, रेणू इनका क्या है, एक उपनाम है, ठीक है। क्या है रेणू, ये इनका क्या है, एक उपनाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और बनता है कि मैला आंचल है क्या, ये एक उपन्यास है, क्या है आपका, ये एक उपन्यास है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मैला आंचल क्या है, ये उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है। बताइएगा कि जब भी कभी शासन की ओर से किसी भी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई भी पत्र भेजा जाता है, तो ऐसे पत्र को बोला जाता है क्या। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, सरकारी पत्र कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन बी, जिसका भी राइट है, क्लियर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा साथियों, अशुद्ध दिया गया है, तो देखो स्वयंभू आपका दिया है, सही दिया गया है, स्वच्छंद भी आपका सही दिया गया है, स्वाति भी आपका सही दिया गया है। तो चलिए बताइएगा कि जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बताइएगा कि गलती क्या बी वाले में है या गलती डी वाले में है। दोनों में से आप बताइए, एक जवाब बताना है, कौन सा आपका सही बनेगा। दोनों में से बताइएगा कि गलती आपके बी में है या गलती आपके डी में है, कौन सा आपका कह सकते हैं अशुद्धि है। चलिए, तो काफ़ी सारे जो लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, मतलब आप लोग समझदार हो गए हैं। यहाँ पर स्मृत जो आपका होता है इस प्रकार से लगा होता है, है ना, इस प्रकार से आपका होता है, स्मृत में नीचे आपका लगा होता है, स्मृत में इस प्रकार से, ठीक है। और स्वाति सही लिखा है, याद रखिए स्वाति नहीं, स्वाति जो आपका होता है इसी प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहलता में जो समास है कौन सा है। देहलता, इसे आप तोड़िए सबसे पहले, इसे जब तोड़ेंगे तो नाम निकलेगा देह रूपी लता, क्या, इसे जब तोड़ेंगे तो देह रूपी लता होगा। और रूपी शब्द जब भी कभी लग जाएगा तो आपको याद रखना है कर्मधारय समास, क्या, जब भी कभी भी रूपी शब्द लग जाता है, रूपी शब्द या के समान हो जाए, है ना, या तो महाशब्द लग जाए, ये शब्द आपके कर्मधारय समास को ही इंगित करते हैं, जिसमें विशेष और विशेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है। तो देखो यहाँ पर बनावट, छाता, सूर्य और आपका अमरूद, मतलब पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब आपका स्त्रीलिंग होना चाहिए। बनावट कैसी है, क्या, बनावट कैसी है और कैसी से पता चल गया कि पहला ही आपका जवाब हो जाएगा, ये पुल्लिंग नहीं है, कैसा है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन जिसका भी आ रहा है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। चलिए शुद्ध रूप का आपको बताना है, और हमने आपको बताया जब भी कभी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात की जाए तो उत्तीर्ण में एक ही पॉइंट होता है, क्या, आशंका होती है, है ना, अनुत्तीर्ण दिया है या उत्तीर्ण दिया है, तो अनुत्तीर्ण होने की क्या हो जाएगी, आशंका होती है, ना कि संशय होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डी आपका, उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, यहाँ पर पूछा गया अलंकार कौन सा है। बड़े बड़े मोती आंसू जयमाला पहनाते थे, यहाँ पर पूछा अलंकार कौन सा है। चलिए सेवन का जवाब, यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिन लोगों का यहाँ पर नेटवर्क बफरिंग हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए,
आपके ही मोबाइल में कोई दिक्कत होगी, इस कारण से मोबाइल को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। जो लोग बाद में जुड़े एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़ते हैं वीडियो को लाइक करते चलिए। काफ़ी लोगों ने जवाब यहाँ पर लगाया है बी नंबर, रूपक अलंकार दे रहे हैं, रूपक अलंकार कह रहे हैं बड़े बड़े। तो आपके दिमाग में एक पॉइंट को रट लीजिएगा, हमने बताया है जब भी कभी डैश हो, लेकिन भाई साहब डैश तो होता है लेकिन एक शब्द होना चाहिए उपमेय और एक होना चाहिए उपमान, है ना, मतलब एक होना चाहिए विशेष से और आपका ये दूसरा हो जाएगा विशेषण। कुल मिला के यहाँ पर दोनों तो एक ही जैसे हैं, है ना। अब बताइए उपमेय किसे कहोगे या उपमान किसे कहोगे। तो ये तो भाई आपका ये जो रूल आप लोग लगा रहे हो ना, कौन सा ये रूल लगा रहे हो, तो आपका गलत हो जाएगा। सेवन का बी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जो दिमाग लगाया वो गलत हो गया है। यहाँ पर आपका जवाब लगाना है यहाँ पर से, सम सासरी से शब्द जो आपका होता है किस में होता है, उपमा अलंकार में होता है। तो तुक्का भी लगाइए तो ऐसा लगाइए जो देखने वाला भी समझे कि नहीं हाँ बच्चे ने सही पकड़ा है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का चिन्हित करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग कैसा है, उप प्रधानाचार्य, और उप प्रधानाचार्य में जो आपका कह सकते हैं उपसर्ग है ये कैसा है। तो यहाँ पर जवाब देना है 8 नंबर में और जवाब आ रहा है ए नंबर, कह रहे हैं तत्सम उपसर्ग है, तो बिल्कुल जवाब है यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। चलिए शुद्ध वर्तनी दिया है विरहणी, और किस प्रकार से विरहणी को सही करेंगे, चलिए देख लेते हैं 9 का जवाब इनमें से किसका सही हो जाएगा। कुछ लोग जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जवाब यहाँ पर बी दे रहे हैं। बी जवाब उसी का आ रहा है जो पहली बार शायद जुड़े हैं हमारे इस क्लास में, है ना। तो चलिए पहली बार जुड़े हैं तो गलती माफ हुई, लेकिन कुछ लोग जो पहली बार नहीं है, पुराने स्टूडेंट हैं, उनके भी गलती आ रही है क्योंकि वो लोग डी दे रहे हैं। लेकिन इसका राइट आंसर जो बनेगा 9 का ऑप्शन सी, विरहिणी इस प्रकार से लिखते हैं, विरहिणी मतलब स्टार्टिंग में आपकी मात्रा होगी और हमें स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका जवाब बनेगा, ना कि बी बनेगा ना कि डी बनेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल विद्यालय मनाया जाएगा। याद रखिएगा कि चाहे वो विद्यालय हो चाहे कोई ऑफिस हो, जब 25 वर्ष हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, तो यहाँ पर बोलते हैं रजत जयंती। क्या बोलते हैं, रजत जयंती। यहाँ पर ऑप्शन बी भरा जाएगा। और जब 50 वर्ष हो जाते हैं किसी काम के, तब उसे बोलते हैं क्या, स्वर्ण जयंती बोलते हैं, स्वर्ण जयंती बोलते हैं, ठीक है ना। और 75 साल हो जाए तो उसे हीरक जयंती बोलते हैं, जब 75 वर्ष हो जाता है। जब 100 वर्ष हो जाता है तब उसे शताब्दी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शेर शेरनी हैं, हर एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से नोट करते रहिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संसद के दोनों भवनों में से इस विवाद ने शीघ्र ही एक रूप ले लिया। कैसा रूप ले लिया, जब दोनों ही भवन है इसमें से विवाद हुआ है और शीघ्र ही क्या ले लिया, कैसा रूप हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन भर देते हैं बी अप्रत्याशित, क्या अप्रत्याशित, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन क्या भरा जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, विकराल रूप आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। बहुत ही ईजी है, यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। कह रहा है आपसे कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या दे रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने, देखो रा से स्टार्ट हुआ है पहला, फिर रा, और रा कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी पर दिया है, मतलब इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने करने के लिए बातें नहीं करते, बल्कि वे समय की बचत करते हैं, है ना, बचत के लिए बातें करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 13 का जवाब, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर और लगभग सभी का जवाब दे रहे हैं ए नंबर ही दे रहे हैं। चलिए तो जवाब हम लॉक कर देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, देवकी नंदन खत्री। क्या हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस उपन्यास की जो रचना हुई थी वो 19वीं सदी के अंतिम चरण में आपकी हुई थी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है, आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर छायावादी कवि कौन कौन है, तो यहाँ पर आपके प्रसाद जी भी हैं, है ना, आपके निराला जी भी हैं और आपके पंत भी हैं, है ना, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ये छायावादी कवि नहीं है, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है काली मिर्च में बताइए कौन सा समास है, जिसका भी गलती होता है वो माइनस मार्किंग करते हुए चलिएगा। चलिए बताइएगा काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है,
15 का कुछ लोगों ने जवाब दिया है काली मिर्च। देखो ये हो जाएगा क्या, काली मिर्च यहाँ पर दिया है, काली यहाँ पर दिया है मिर्च, मिर्च काली जो होती है वो विशेषण और मिर्च आपका है विशेष। अभी हमने बताया कि एक ऐसा भी समास होता है जिसमें से विशेष और विशेषण विद्यमान होते हैं, ये है कौन सा आपका, तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइएगा। और जैसा शब्द आपको बोले तो जैसा मतलब होता है क्या, एक संबंध को होता है जैसा, और वैसा क्या बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को पढ़िए कि ऐसे शब्द या वाक्यांश जो भाव को प्रकट करते हैं, तो भाई पहला पॉइंट आपका गलत हो गया है ना। फिर दिया है ऐसे शब्द या वाक्यांश जो भाषा को कठिन बना दें, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो गया। फिर तीसरा पॉइंट पढ़िए, कह रहा है कि ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग अर्थ विशेष अर्थ बोध कराते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सा वर्ण है, कैसा वर्ण है। चलिए हमने आपके पीईटी वाले यहाँ पर जो पीईटी में हम सॉल्व करवाते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिला था कि सा वर्ण जो आपका है ये कैसा है। एसआई वाले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए तो यहाँ पर सभी लोगों का जवाब आ गया है ये तालब्य है, कैसा है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर, तालब्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तालब्य हो जाएगा मतलब इसके उच्चारण में जो जीभा होती है वायु तालु से हल्की सी रगड़ खाकर बाहर निकलती है, तो जवाब बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्यों में जिस वंश में त्रुटि हो उसमें से आपको पहचान करना है, और अगर त्रुटि ना हो तो सीधा डी लगा देना है। कह रहा है कि यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। यहाँ पर देखो दिया है अक्षम, अक्षम नहीं सक्षम, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलती हो गई है किसमें, गलती हो गई है यहाँ पर आपके सी नंबर में है ना, सी ऑप्शन में आपकी क्या है, आपकी गलती यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग ये भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता है और मानसिकता है, क्या मान्यता और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है, है ना, नारंबी जो नारी है स्वावलंबी बनने में अक्षम है। यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट दिया अपने पैरों पर खड़ी होकर, तो एक पैरों पर खड़ी होकर ये भी तो यूज नहीं करना चाहिए ना, ये भी यूज नहीं करना चाहिए, तो मतलब गलती जो आपकी है साफ साफ नजर आ रहा है सी नंबर में गलती है। ठीक है चलिए अगला बताइएगा कि निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है, सही अर्थ में से क्या बन जाएगा। यहाँ पर दिया है मणि और दिया है मणि, बताइए मणि मतलब होता है रत्न और मणि मतलब होता है सांप, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जवाब आपका निकलेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, जिसका भी जवाब आया है सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। देखो स्वर संधि में आपको दिया गया पहचान करिएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा, अन्वेषण, एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा किसमें होती है, गुण संधि में, और गुण संधि जो आपकी होती है किसमें, स्वर संधि में, तो ऑप्शन पहला ही इसका जवाब हो जाएगा अनुधन्वेषण, अन्वेषण अर्थात ये गुण संधि है ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर दिया है हाथी मोटा है और हाथी मोटी है, हम लोग कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये हथनी है या हाथी है ना, दूर से कोई भी हाथी आ रहा है तो हम लोग यही बोलेंगे हाथी आ रहा है, तो यहाँ पर हाथी मोटी है ये गलत हो गया ना, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मुँह से निकली बात गुप्त नहीं रहती है, मुँह से निकली बात गुप्त नहीं रहती है, वाक्यांश के लिए अर्थ आपको बताना है। तो थोथा चना बाजे घना तो आपका बन नहीं सकता है ना, बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं, तो ये भी आपका नहीं बनेगा, ओठों से निकली कोठों चली, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, कि मुंह से निकली हुई कोई भी बात होती है हवा में उड़ जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इन्नी जवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में दिया है। चलिए जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट अपना यहाँ पर देते रहिए, जो लोग पहली बार आए हैं उनका वेलकम है, और जो हमारे स्टूडेंट लगातार भी देखते हैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं निजवाचक, और निज किसमें करेंगे, स्वयं के लिए, अपने के लिए प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम, या तो आपका होता है क्या आप शब्द होता है जो निज के लिए होता है। चलिए अगला दिया है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अलबत्ता शब्द दिया है तो यहाँ पर बत्ता तो एक निकलेगा मूल शब्द, लेकिन अल शब्द जो आपका है यही क्या है उपसर्ग है, तो आपका जवाब क्या बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है, दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है,
तो देखिए यहाँ पर आपका निकालेंगे तो यहाँ पर देखो दुस्साहस ये नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो आपका जवाब ये नंबर दुरावस्था में और दुर्दशा में क्या है, दुर आपका होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सभी को, सब लोगों को समझ में आता चल रहा है ना पूरी तरीके से। चलिए अगला बताइए, विलोम शब्द लिखना है, कठिनाई, कठिनाई का विलोम देखते हैं कि किसका किसका यहाँ पर पॉइंट सही हो सकता है। चलिए यहाँ पर कठिनाई दिया गया है और कठिनाई का जवाब क्या बनेगा, चलिए 27 नंबर में आपका पूछा गया है और कुछ लोग जवाब भी यहाँ पर दे दिए हैं, बहुत ही स्पीड में जवाब दिया है, लेकिन क्या सही है, तो बिल्कुल जवाब सही है, कठिनाई का हो जाएगा क्या, सरलता होगा, सुगम बनेगा यहाँ पर ये नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेय पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, 21 रस का उदाहरण है। यहाँ पर दिया है संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार भयानक और आपका उनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो बनेगा कौन सा, वियोग हो जाएगा, आवे तो आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे, तो आपका जवाब हो जाएगा वियोग में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकोक्ति में जो संधि है आपकी कौन सी है, लोकोक्ति में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, 29 में जवाब दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर राम राम, सभी लोग जुड़े हुए हैं, राम राम सभी को राम राम। चलिए भाई यहाँ पर लाइक शेयर भी करिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइए। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है कौन सा, आपका जवाब आ गया लोकोक्ति, मतलब होता है लोक की उक्ति, ऑप्शन जवाब बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। ये गुण संधि है, क्या है, गुण संधि है, इसका बनेगा क्या, इसका टूटेगा तो बनेगा लोक, क्या निकलेगा, लोक निकलेगा और साथ में हो जाएगा उक्ति, मतलब यहाँ पर छोटा आ की मात्रा और आपका क्या बनेगा, छोटा ऊ बनेगा ओ, और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है पूछा गया है, मित्र कैसा है, सूचना कैसी है, तो कैसी है, तो आपका जवाब कैसी है, ऑप्शन बी है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, ये कैसी है आपकी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन दिया है मिलावट में प्रत्यय बताना है, मिलावट, आवट क्या बन रहा है, आवट बन रहा है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आवट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वादी और वादी, है ना, क्या दिया है, वादी और वादी दिया गया है, तो भाई यहाँ पर देखते हैं वादी किसे कहते हैं और वादी किसे कहते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब कितने स्टूडेंटों का सही आता है। चलिए शेर शेरनी इसमें से जवाब दीजिए, इस प्रश्न का सही क्या बनेगा, चलिए 32 को ऑप्शन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी, मतलब कन्फर्म नहीं है, हमें ही कन्फर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका सी होगा, यहाँ पर वादी मतलब आपका वक्ता होगा और वादी मतलब होता है अजीर्ण, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। मतलब वक्ता मतलब होता है मुद्दई और अजीर्ण मतलब होता है वायु विकार, है ना, अजीर्ण मतलब होता है वायु विकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, बताइए कि ये जो आपके अनेकार्थी हैं किसके अनेकार्थी हैं। चलिए अनेकार्थी किसके हो जाएंगे, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर सारंग के, और सारंग कहाँ पर सही होगा, सारंग आपके दो लिखे हैं, एक सारंग ए में है, एक सारंग आपका सी में है, लेकिन इसका जो जवाब बनेगा आपका ए, ये वाला आपका सारंग बनेगा ए नंबर वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अधरों पर अली मड़राते केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है, तो देखो यहाँ पर एक दूसरे को उल्टा किया गया है, क्या कि पपीहा, है ना, केसों पर मतलब बाल पे कह रहे हैं पपीहा मंडरा रहे हैं और अंधियारों पे मंडराते हैं अली, है ना, तो भैया एक दूसरे को उल्टे हैं, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा, क्या भ्रांतिमान, इसका जवाब हो जाएगा बी भ्रांतिमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताना है, और मुझसे उठा नहीं गया मतलब कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया है और आपका निगेटिव आपका वर्ड भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपके भाव को दर्शा रहा है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं, यहाँ पर आपका एक काव्यांश दिया है और बहुत ही प्यारा काव्यांश, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आपके अच्छे हैं, तो कह रहे संकटों से वीर घबराते नहीं, याद रखिए संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, है ना, कि आपकी आपदाएं और आप छिप जाए ऐसा तो आप कहीं नहीं करते हैं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता कर्मवीरों को ना इससे वास्ता, बढ़ चले जो अनंत तक ही बढ़े चले कठिनाई गिर श्रृंग ऊपर चढ़े, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा संकटों के बीच वो गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए सरल संभव करके दिखाते वे सदा,
यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है दर्प बिना, उत्साह बिना और आसक्ति बना। यहां पर एक पॉइंट आपको मिला है क्या, यहां पर मिला है क्या आपका, मिला है नेपोलियन, क्या निकला है वर्ड, नेपोलियन। नेपोलियन ने कहा था कि दर्प के बिना, उत्साह के बिना और आसक्ति के बिना जीवन ही क्या है, व्यर्थ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप लोग यहां पर सही कर पाएंगे या नहीं। क्वेश्चन दिया है कि कर्मवीरों को किस बात का वास्ता नहीं होता है, कर्मवीरों को किस बात का वास्ता नहीं होता है, तो मार्ग सरल है अथवा कठिन। आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। अगला पॉइंट दिया है कि नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था, नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा, तो नेपोलियन ने कहा असंभव कायरों का शब्द है, असंभव क्या है, कायरों का शब्द है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कठिन पथ को देखकर कर्मवीरों की क्या प्रतिक्रिया होती है, जब वो कठिन पथ देखते हैं तो क्या छिप जाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होता है ना, आपदाएं देखकर छिप जाते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो मुस्कुराते हैं, है ना, क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और गाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिंदगी किसके बिना व्यर्थ है, जिंदगी किसके बिना व्यर्थ है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपके जो नेपोलियन ने कहा था, क्या कहा था, तो यहाँ पर आपका 39 नंबर में ऑप्शन बना है डी, है ना। नेपोलियन ने कहा था कि दर्प के बिना, है ना, दर्प के बिना, उत्साह के बिना और शक्ति के बिना जिंदगी क्या है, व्यर्थ है, तो ऑप्शन बनेगा डी, उपयुक्त सभी के बिना जिंदगी आपकी व्यर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा लक्षण वीर पुरुष का नहीं है, जो वीर पुरुष होते हैं उनमें ये लक्षण आपको नहीं मिलने चाहिए, क्या, आपदाएं देखकर छिप जाते हैं, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बनेगा भी आपदाएं देखकर छिप जाते हैं, ये वीर पुरुष का क्या लक्षण नहीं होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों से आपने यहाँ पर देखा कि गद्यांश को भी सॉल्व कर लिया और वीरतापूर्वक एक गद्यांश था, बड़ा मजा आया इस गद्यांश को सॉल्व करने पर। जब भी कभी आपको मिलेगा तो आप उत्साह के साथ आसानी से इसे सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मूंछ का प्रयोग किस अर्थ में होता है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए 41 में जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या बनेगा। चलिए मूंछ का प्रयोग किस अर्थ में होता है, यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी। तो याद रखिएगा साथियों, हमने आपको हमेशा यही बताया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, क्या, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मूंछ कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सी, मोक्ष की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, जो शिव की आराधना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब आ रहा है 42 नंबर में, कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका सैव, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा, सैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैव आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आपका विलोम नहीं है, चलिए विलोम नहीं है कौन सा, तो देखिए इष्ट का होता है, अनिष्ट होता है, हमने यहाँ पर सही दिया, नत का औनत होता है, ये भी सही है, उत्कर्ष का दिया है निष्कर्ष, तो देखो जब भी उत्कर्ष लिखा हो तो वहाँ पर आपका अपकर्ष होता है, क्या, अपकर्ष होता है, तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, सी नंबर में गलती दिया गया था, है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैंची किस भाषा का शब्द है, कैंची किस भाषा का शब्द है, आज के टेस्ट पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन होना चाहिए सभी का। चलिए जवाब आ गया है तुर्की, तो कैंची कैसा है, तो आपका तुर्की है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। और अगला है मोह शब्द कौन सा विशेषण है, मोह माया में नहीं पढ़ना है, ये मोह माया बहुत ही व्यर्थ है, इसलिए मोह माया में नहीं पढ़ना है। मोह क्या है, व्यक्ति के अंदर गुण होता है, मोह क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर गुण होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। ये जिंदगी बहुत ही मोहमायक है, लोग मोह में पड़ जाते हैं, तो मोह में नहीं पढ़ना है। अगला है निर्झर शब्द का पर्याय, आज के इस टेस्ट पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है 46 नंबर, अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही देते हैं तो हम मानेंगे कि आपने टेस्ट पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और गलती हुआ तो समझेंगे कि आपने इसमें से बहुत गलतियां किया है। चलिए तो निर्झर शब्द का पर्याय आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो देखो यहाँ पर निर्झर, यहाँ पर निर्झर दिया है, तो काफ़ी सारे जवाब यहाँ पर 50% लगभग हैं ए नंबर पे, और 50% दिए हैं आपके सी नंबर पे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जाएगा कहाँ पर, ऑप्शन जाएगा सी, प्रपात होता है। निर्झर मतलब होता है झरना, क्या, निर्झर मतलब ये झरना आपका दिया गया है, झरना के पर्याय हैं, झरना हो गया, प्रपात हो गया, सार हो गया, ये होते हैं। यहाँ पर निर्जन नहीं कहा है, निर्जन अगर कहता निर्जन तो जंगल में आते, निर्जन कहता तो हम जंगल में आते, यहाँ पर जो आपका है वो आपका सी है, प्रपात ही इसका, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानना है, यहाँ पर कौन सा अलंकार क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका सही जवाब क्या बनेगा।
कलहंस कला निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देख दिए। कह रहा है कल हंस कला निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देख जिए। यहाँ पर देखिए पूछा है अलंकार, थोड़ा समझेंगे तो जवाब बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, का शब्द दिया है, का शब्द दिया है, मतलब देखा जाए और कोई नहीं बन रहा है तो अनुप्रास तो जरूर बन जाएगा, क्योंकि तुलसीदास द्वारा ये रचित है पंक्ति। इनमें ने तुलसीदास ने कहा था तुलसी का प्रिय अलंकार यही है, तुलसी का प्रिय अलंकार कौन है, तो आपका अनुप्रास हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ऐसा व्यक्ति जिस आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए यहां पर 48 नंबर आपका जवाब देना है, और 48 का जवाब सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर। और भी है कोई इस प्रश्न को बदलना चाहता है, इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, वरना हम लॉक करने वाले हैं, तो लॉक कर देते हैं। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी, अतिथि होता है, बिल्कुल जवाब सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है ऊर्मि और वीचि पर्यायवाची है किसका होता है, ऊर्मि और वीच जो पर्यायवाची होगा किसका होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ऊर्मि, ऊर्मि मतलब होता है लहर, है ना, यहाँ पर वीच मतलब लहर, मतलब आपका जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर आपका लहर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से तत्सम शब्द आपको चुनना है, तत्सम शब्द आपको चुनना है, चौपाया है, चारपाया है, चतुष्पद दिया है और आपका चार पैर दिया है। तत्सम शब्दों में हमने आपको बताया हमेशा वा का बा हो जाता है, है ना, और यहीं पर आपका जैसे झा दिया है, है ना, जैसे आपका छा दिया है ये वाला क्षेत्र वाला, तो खा होता है, और ये जो सा मिलेगा आपको किस में मिलता है, तो आपके तत्सम में, तो जवाब क्या हो जाएगा सी, यहाँ पर चतुष्पद हो जाएगा, चार पैर वाला होता है, चतुष्पद हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 50 प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व कराया है, माइनस मार्किंग थी आपकी 1/3। जो लोग बाद में जुड़े हैं, काफ़ी विद्वान साथी यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको रोटी बनाने का टाइम, खाना बनाने का टाइम भी होता है, काफ़ी गृहिणी हैं जो खाना बनाने का टाइम होता है तो बाद में देखती हैं। अगर आप बाद में देखते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से क्वेश्चन को देखें और समझें, जो गलती हो उसको यहाँ पर आप ये समझिए कि ये पॉइंट में गलती है, उसको सुधारने का प्रयास करिए, है ना। निगेटिव मार्किंग जो आपकी 1/3 आपकी रही है, इसके हिसाब से बताइए कि 50 में आपके जवाब कितने बने हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 48 नंबर, है ना, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कैसे 47 नंबर, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि ये जो 48 और 47 वाले थे स्टार्टिंग में थे ही नहीं, ये 48 वाले और 47 वाले स्टार्टिंग में थे ही नहीं, है ना, और जबकि गलतियाँ भी 3-4 किए तो 48 कैसे आ गए। मतलब देखा जाए तो झूठ का सहारा लिया गया, और झूठ हमसे हो सकता है लेकिन एग्जाम में कैसे हो सकता है, एग्जाम में तो भैया माइनस पूरा मिलेगा, 0.25% होगा वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बहुत धन्यवाद जी लोगों ने 47, 48 और 45 तक मारा है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टेस्ट मारा है, 45 आपका जवाब बिल्कुल डन है, इतना ही आपका स्कोर रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना, बहुत ही अच्छा आपका होगा। और अगली क्लास हमारे है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।